الله،, الله،, الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان فهو له قرين وإنهم لا يصدونهم عن سبيل الله وهم يحسبون أنهم هتدون صدق الله العظيم बजुर्गान महतर हाजरीन कराम इससे कबल गुफ्तु के अंदर मैंने हज़रत सदना यूनस आसलात वसलाम के वाक़ का ज़िक्र कर रहा था जो मुकम्मल नहीं हो सका था आज मैं चाहता हूँ कि इस गफ्तु के अंदर उस वाक़े को मुकम्मल करूँ कि किस तरह परवरदिगार आलम ने अपने नाम की तस्वीर और तहलील और तहमीद और तजकीर करने की वजह से हज़रत यूनस सलाम को मछली के पेट के अंदर से बाहर निकाल दिया अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया युबाथून कि अगर

और उसकी तारीकी और फिर उस तारीकी से बाहर निकलने के लिए जिस बात की जरूरत थी वो ये थी कि उन्होंने अल्लाह को याद किया अल्लाह की तस्बीह किया तो अल्लाह तबारक वाली ने उनको 40 दिन तक उस अंधेरे में रखने के बाद बाहर निकाला फना बदनाहू तो हमने हुक्म दिया बिल आरो कि उसको खाली जगह पे बाहर फेंक दे मछली को हमने हुक्म दिया वह हुआ सकीम और वो बहुत कमजोर हो चुके थे उस वक्त आज हम सब के लिए एक अलग अलग मुख्तलिफ शक्लों के अंदर पेट हैं हमारे भी और हमारी कौम के भी किसी के लिए मछली का पेट उसकी दुकान हो सकती है किसी के लिए मछली का पेट उसका अपना घर हो सकता है किसी के लिए मछली का पेट उसकी अपनी बीवी हो सकती है किसी के लिए मछली का पेट उसकी अपनी औलाद हो सकती है क्यों ये तमाम के तमाम अल्लाह के ज़िक्र को करने के रास्ते में रुकावट बन सकते हैं मिसाल के तौर पे इंसान ताजिर है दुकान में बैठा हुआ है की आवाज आई अचानक कोई कस्टमर आ गया अब यह बंदा सोचता है कि अभी तो नमाज के लिए काफ़ी वक्त बाकी है अभी वक्ती तौर पे मुझे जो फायदा पहुंचने वाला है मैं वो फायदा हासिल कर लूँ उसके बाद नमाज को जाऊँगा कुछ और देर हो जाती है वो समझता है कि अभी वक्ती तौर पर जो मुझे फायदा मिल रहा है ये तो मैं हासिल कर लूं नमाज अगर जमात से छूट भी गई तो कोई बात नहीं अकेले नमाज पढ़ लेंगे माल खर्च करने की बात आती है तो माल की मोहब्बत की है इस कदर मजबूत हैं हमारे उलूब के अंदर के वह जमा यानी माल को बंदा जमा भी करता है और उसको जमा जमा के सेंद सेंत के रखता है वो तो यहां भी बंदा सोचता है कि बाद में खर्च कर लेंगे अभी जमा करो निकालने की जरूरत और हिम्मत नहीं होती कभी बच्चों की मोहब्बत और बीवी की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर वो कोई नेक और खैर काम करने से रुक जाया करता है तो ये बच्चों की मोहब्बत और बीवी की मोहब्बत उसके लिए वो मछली का पेट है जैसे यूसलासलाम के लिए वो मछली का पेट कुरान मजीद ने कहा रिजाल्ला तुल ही जिक्र वही कौम सलाती वाई जकाह रिजाल तुल ही तिजारत वाला भैया वो बहुत ही जवा मर्द और बाहिमत लोग हैं और औरतें और हैं बाहिम्मत के उनको नहीं रोकती अल्लाह के ज़िक्र से और नमाज को कायम करने से उनकी तजारत और उनकी बया तजारत के अंदर एक बड़ा मफहूम है उसका दायरा बहुत वसी है लेकिन जो बया है वो के अंदर वक्ती तौर पर इंसान को फ़ायदा पहुंच जाता है अभी नकद कितना फायदा होगा नमाज होती है तो हो चले जाने दो लेकिन यहां पे सौ रुपए फायदा हो रहे हैं दो हजार फायदा हो रहे हैं ये वक्ती फायदे को देखता है बंदा तो अल्लाह तबारक पटारा ने कहा कि वक्ती फायदे को छोड़ करके अल्लाह की याद के लिए दौड़ना चूंकि नमाज भी अल्लाह का जिक्र है यह सबके बस की बात नहीं है इंसान दुकान से निकल नहीं पाता सुबह बच्चे नमाज के लिए नहीं उठ रहे हैं बीवी नमाज के लिए नहीं उठ रही है अगर उठाने जाता है तो ये सोचता है कि अरे बीवी के नींद में खलल पड़ जाएगी मेरे मासूम बच्चे की नींद में खलल पड़ जाएगी छोड़ दो सोता रहने दो तो मतलब यह है कि बीवी की मोहब्बत बच्चों की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत के ऊपर गालिब आ गई तो ये बीवी और बच्चे भी गोया के यून सेम जो मछली के पेट में गए थे वो मछली के पेट की तरह हैं अब यहाँ से निकलना कैसे है दुकान मछली का पेट है वहाँ से निकल के हमें बाहर जाना है घर बार माल और दौलत की मोहब्बत बीवी की मोहब्बत ये सब के सब मछली के उस पेट की तरह है कि जिसके जिससे बाहर निकलना हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम है लेकिन बजुर्गान मोहतरम हजरत यून सलाम के इस वाक्य ने हमको इस बात की याद दहानी कराई कि अगर तुम अपनी दुकानदारी को छोड़कर और वक़ती मुनाफे को छोड़कर मस्जिद में आना चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए अल्लाह तबारक व को याद करना होगा अल्लाह का जिक्र करना होगा बीवी बच्चों की मोहब्बत में जो तुम पड़े हुए हो अगर तुम उसको छोड़ना चाहते हो उस पेट से उस अंधेरे से निकलना चाहते हो तो तुम्हें यून सलासलाम की तरह अल्लाह तबारक व को याद करना होगा तो इन तमाम जो अलग अलग मुख्तलिफ़ पेट हैं हमारे लिए दुनिया के अंदर उन तमाम से निकलने के का एक ही रास्ता है कि हम अल्लाह को याद करें अगर हम यह सोचेंगे कि आज हमारे पास वक्त नहीं है वक्त नहीं नहीं निकल पाता वक्त नहीं निकल पाता हमारे पास तो मतलब इसी सोच में इसी फिक्र में कि वक्त मिलता ही नहीं है फिर वो बंदा अपने लिए किस तरह अवकात निकाले कि अल्लाह का जिक्र करे वो बैठ करे इसी तरीके से आदमी वक्त गुजारते गुजारते वो यहां तक कि मौत का आहानी पंजा दबोच लेता है उसे और वो बस इस दुनिया फ़ानी से दुनिया जावेदानी की तरफ जो है बहुत ही हसरत नाउमीदी के साथ दुनिया से चला जाता है तो ये दुनिया के तमाम के तमाम जो है झमेलों से और तमाम मसायब से तमाम परेशानियों से ये मुख्तलिफ़ जो पेट हमने बना रखे हैं उनसे बाहर निकलना है तो उसके लिए एक ही शर्त है कि अल्लाह तबारक व तालिक्र किया जाए अल्लाह तबारक व ताल को याद किया जाए यून सलाम मछली के पेट में फंसे तो अल्लाह को याद किया अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया मछली ने उनको बाहर फेंक दिया फना बदना बिल आराई वह हुआ सकीम वो बहुत कमज़ोर थे वम अं बदना आ रही शजर यकतीन अब साहिल समंदर पर फेंक तो दिया लेकिन बहुत कमज़ोर हैं चालीस दिन तक मछली के पेट में रहे हैं अल्लाह तबारक वाले ने वहाँ पर एक ऐसा पौधा उगा दिया यीन या तो वो कद्दू का कद्दू की बेल थी या कद्दू की बेल की तरह कोई दूसरी बेल थी जिसको यकतीन कहा जाता है यकतीन कहते हैं कद्दू को या कद्दू थी या फिर कद्दू नमा कोई दूसरा तरबूज की तरह वो फल था लेकिन वो काफ़ी ऊंचा होता था उसके पत्ते ऊंचे होते थे वो बेलें होती थी और ऐसे पत्ते थे वो कि अगर दो चार आदमी अंदर घुस करके सो जाएं, तो बाहर वालों को पता नहीं चलता था कि अंदर कितने लोग हैं और क्या कर रहे हैं इस तरीके से अल्लाह तबारक वाल ने उन पौधों के अंदर ऐसा एंटी बैक्टीरिया पैदा किया था कि कोई भी मोजी अर्ज उसके अंदर दाखिल नहीं होता था सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े अंदर नहीं जाते थे इसी तरीके से उसके अंदर पानी की भी वाफिर मकदार थी उस पानी की वजह से जो धूप की शुआए पड़ती थी उन पत्तों के ऊपर तो उसमें वो तासीर थी कि नीचे अंदर सोने वालों को कोई तकलीफ नहीं पहुंचती थी सूरत की गर्मी नहीं लगती थी उनको और बहुत ही रेशम की तरह मुलायम और बहुत नरम पत्ता था वो कि जो नीचे सोने के लिए भी यानी बिछौना के लिए भी काम आ जाता और ओढ़ने के लिए भी वो काम आ जाता था तो अल्लाह तबारक वाली ने खाने का इंतजाम कर दिया बिछौने का इंतज़ाम कर दिया ओढ़ने का इंतज़ाम कर दिया और उसके बाद जब सेहतमंद हो गए अच्छे हो गए तो फिर अल्लाह तबारक वाले ने कहा कि वा इला औ यजीदून हमने जो है उनको भेजा अल्फमिया एक लाख औ यजीदून या उससे भी ज्यादा लोगों की तरफ फिर से हमने उनको नबी या रसूल बनाकर हमने जो है कौम की तरफ अल्लाह के दीन की दावत देने के लिए और एलाय करमत के लिए हमने उनको दोबारा भेजा अब ये कहना मुश्किल है कि अपनी ही कौम की तरफ भेजा या किसी और कौम की तरफ भेजा तो बहरकैफ़ हज़रत यूनसत वसलम का ये वाक़या हमारी जिंदगी के लिए एक सबक है एक नमूना है कि अगर हम मुसीबतों से परेशानियों से बाहर निकलना चाहते हैं तो उसके लिए एक वाद रास्ता है कि हम अल्लाह तबारक वाली के जिक्र को अपना लें अल्लाह की याद को हम अपना लें इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा कि न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से खुदा को याद करेंगे तो दिल को चैन सुकून हासिल होगा खुदा को याद करेंगे तो बाहर के जितने मसाइल हैं जितनी परेशानियां हैं वो सब की सब खुद खत्म हो जाएंगी अल्लाह की तरफ से सकीना नाजिल होगा बरकतें नाजिल होंगी इसीलिए उलमा लिखते हैं कि अगर आदमी ज़िक्र करता है तजकिए नफ्स करता है अल्लाह अल्लाह करता है लाई लाही का वर्द करता है तो गोया के जब बंदे के दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत रच और बस जाती है अल्लाह का रंग चढ़ जाता है बंदे की ज़िंदगी के अंदर उसके रगो रेशे के अंदर उसके जिसम ज़ाँ के अंदर तो अल्लाह तबारक वाला उस अपने बंदे की महब्बत तमाम के तमाम दूसरी मखलूक और इंसानों के दिलों के अंदर पैदा कर देते हैं हम किसी अल्लाह वाले को देखकर कितने खुश होते हैं कि एक झलक देख लेते एक मुलाकात कम से कम उनसे हो जाती है तमन्ना और हसरत होती है हमारी वजह क्या है कि उनके दिल के अंदर अल्लाह बसता है वो अल्लाह के रंग में रंग रंग चुके हैं वो इसी तरीके से जब एक बंदा तबारक व तौ का मोती ओबीडियंट और फमावरदार बन जाता है तो अल्लाह तबारक वाल ऐसा माहौल पैदा कर देते हैं कि दूसरे तमाम के तमाम बंदे उस बंदे की खिदमत में लग जाते हैं उसकी सर्विस में लग जाते हैं यह भी जिक्र का यह दूसरा फायदा है पहला फायदा तो यह था कि अल्लाह लोगों के दिलों में बंदे की मोहब्बत पैदा कर देता है और दूसरा फायदा जिक्र का यह भी है कि अल्लाह तबारक वाल अपने बंदों के दिलों में इतनी मोहब्बत पैदा करता है कि वो सब के सब अल्लाह के उस खास बंदे के सर्वेंट बन जाते हैं उनके गुलाम बन जाते हैं यहाँ तक कि उनकी जूतियों को सीधा करने का मौका मिल जाए तो भी वो फख्र का काम समझते हैं ये दूसरा फायदा है जिक्र का और तीसरा फायदा जिक्र का बजुर्गान मोहतरम यह है कि अल्लाह तबारक वारा दुश्मनों के कल्बो जिगर के अंदर एक रोह दबदबा डाल देता है नबी जमा जनाब महम्मदसूल सल्ला वम के मतलब आता है हदीस के अंदर कि जब आकायद व जहाँ सफ़र पर निकलते थे तो एक महीने की मसाफत में जितनी जगह तय की जा सकती है एक महीने के अंदर जितनी मसाफत तय की जा सकती है उतने दूर तक तमाम के तमाम लोगों के दिलों के अंदर महमदर रसूल का एक रोब और एक दबदबा जो है अल्लाह तबारक वाली डाल दिया करते हैं तो ये तीसरा फायदा अल्लाह के जिक्र का यह भी है कि अल्लाह तबारक वाले लोगों के दिलों के अंदर एक रोब और एक दबदबा डाल दिया करते हैं और ख़ास तौर पर इस वक्त जबकि हमारे मुल्क के हालात कुछ इस तरह हैं कि मुसलमानों को दबोचने की कोशिश की जा रही है मुसलमानों को दबाने की कोशिश की जा रही है और जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें हक़ दिया है उस हक़ को छीनने की कोशिश की जा रही है कभी हमारे मुस्लिम पर्सनल्ला के ऊपर जो है कदगन लगाने की कोशिश की जाती है तो कभी मदारी से इस्लामिया को बदनाम करने की कोशिश की जाती है और कभी हमारे तमाम के तमाम तालीमी इदारों के अंदर सलेबस को चेंज करने की कोशिश की जाती है और कोशिश हो चुकी है और वो उसमें नाकाम हो गए जहाँ पे बहुत सारी हकीक़तों को छुपाकर मुसलमानों की तारीख को मिटाकर उसमें तमाम के तमाम फर्जी बातों को जो है दाखिल कर दिया गया है इस तरीक़े से गाहे बगाहे तरह तरह से हुकूमत वक्त कोशिश कर रही है कि मुसलमानों को पसपा किया जाए उनको सप्रेस किया जाए उनको दबाया जाए लेकिन बुजुर्ग दोस्तों हजरत मूसा असलात साम के वाक़े से हमको सबक लेने की ज़रूरत है कि जब मूसा असलात सलाम अपनी कौम को लेकर फिराउन से छुड़ा कर नजात दिलाकर निकल रहे थे अल्लाह के हुक्म से जब दरियाए रिवर नाइल के पास पहुँचे या नील के पास पहुँचे तो आगे दरिया है और पीछे से फिराओन और उसका लश्कर लश्कर जर्रार हजरत मूसा की तलाश में निकलता है पीछा करता है अब कौम मूसा ने कहा कि ओ मूसा इनामुदरकून हम तो धड़ लिए गए हम तो पकड़ लिए गए अब फिराओना उसका लश्कर उससे मुकाबले की ताकत हमें कहा है तो पीछे फिराउन का लश्कर है और सामने दरियाए दरियाए नील है या तो हम डूब मरेंगे या जो है कत्ल किए जाएंगे। हज़रत मूसा सलाम ने बहुत ही इसकामत के साथ और हौसले के साथ और आज़म के साथ ये जवाब दिया था कि इन नमाई रब्बी सहदीन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है घबराने की ज़रूरत नहीं है बेशक मेरा परवरदिगार मेरे साथ है तो इसी को किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है कि तूफान कर रहा था मेरे आज़म का तवाफ़ तूफान कर रहा था मेरे आजम का तवाफ़ दुनिया समझ रही थी कश्ती भंवर में यानी बजाहिर तो माहौल ऐसा क्रिएट हो रहा था कि अब गए के तब गए अब मूसा ख़त्म उनकी कौम खत्म या तो समंदर की नज़र हो जाएंगे या फिराउन के कहरा उसके गज़ब के शिकार हो जाएंगे लेकिन उन्हें क्या मालूम कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इरादा उनका आजम उनका हौसला कितना था कि बाहिर तूफान नजर आ रहा था लेकिन वो तूफान सिर्फ दिखने को दिख रहा था तूफान वो तूफान हजरत मूसा के आजम इरादा और हौसले का तवाफ कर रहा था वो तूफान दुनिया समझ रही थी कि कश्ती कि डूबने वाली है कश्ती भवन में फंस गई मूसा पकड़े गए उनकी कौम पकड़ी गई लेकिन अल्लाह तबारक वाले के ऊपर जो हजरत मूसा सलाम का तवक्कुल था जो भरोसा था उस भरोसे ने यह रंग दिखाया कि अल्लाह ने फरमाया अनिज ब्यासा आशा कर हजर मूसा लाठी मारो समंदर के ऊपर समंदर ने रास्ते दे दिए इस तरफ एक पहाड़ नुमा पानी खड़ा हो गया दूसरी तरफ दूसरा पहाड़नुमा पानी खड़ा हो गया और हजरत मूसा सलात उनकी कौम वहां से निकल पड़ी तो इस तरह मूसा सलात को अल्लाह तबारक वाले ने नजात दिलाई आखिरी वक्त के अंदर भी मुसीबत और परेशानी के वक्त के अंदर भी उन्होंने अल्लाह तबारक तआला पे तवक्कुल किया इस वक्त जो मुल्क के मौजूदा हालात हैं और इस वक्त हुकूमत वक्त जो मुसलमानों को सप्रेस करने और दबाने की कोशिश कर रही है हमें पसपा होने की ज़रूरत नहीं है हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है घबराता वो है कि जिसके ईमान में कमी हो लेकिन ईमान वाला कभी घबरा नहीं सकता हमारी मिसाल तो ऐसी है कि जो अल्लाह का जिक्र करे जो अल्लाह को याद करे उसके दिल के अंदर कभी खौफ और कभी दहशत और कभी रोब दब दबदबा किसी दूसरे का आ ही नहीं सकता मिसाल को आप यूं समझे कि आप किसी गिलास नुमा कमरे में बंद हैं चारों तरफ से शीशा है यह शीशे का ही कमरा है लेकिन बाहर बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं दरख्त उखड़ जा रहे हैं लेकिन अंदर शीशे में बैठे हुए आदमी को उसका कुछ एहसास नहीं होता हवा उसको टच नहीं कर सकती बस अगर बंदे मोमिन अल्लाह तबारक वताल को याद करे और बंदे मोमिन अपनी ज़िंदगी के अंदर इनकलाब पैदा करे यानी जो मुल्क के हालात अभी एन आर सी के हालात शुरू हुए थे बीच में रुक गए लेकिन फिर पता नहीं कब शुरू हो जाए तो इन तमाम के तमाम हालात के पेश नज़र हमें क्या करनी चाहिए क्या हम घबराएं क्या हम डरें नहीं हम अल्लाह को याद करें अल्लाह का जिक्र करें अपने ताल्लक़ को अल्लाह तबारक वताल से बहुत मजबूत से मजबूत तर करें अपनी ज़िंदगी में इनकलाब लाएं, तो फिर इस तरीके से जब हमारी ज़िंदगी में इनकलाब आएगा तो हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं होगी अल्लाह तबारक वताल हमें हमारे कल्ब के अंदर चैनों सुकून अता फरमाएगा लेकिन अगर आज भी हमने अपनी ज़िंदगी को नहीं बदला हम नहीं सुधारा तो ये अल्लाह तबारक वताल हमारे दिलों के अंदर दुश्मनों का खौफ डाल देगा दुश्मनों का जो है रोब डाल देगा तो ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर इनकलाब बरपा करें हमें और इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है शायर कहता है कि खुदा किसी खुदा तुझे किसी तूफा से आशना कर दे खुदा तुझे किसी तूफा से आश न आश ना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इजतलाब नहीं यानी हमारी ज़िंदगी के अंदर इतने हालात को देखते हुए भी इसतराब बेचैनी की कैफियत पैदा नहीं हो रही है होनी चाहिए ये इजतराब ये बेचैनी कैसी हो कि हम अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाएँ ज़िंदगी में तब्दीली लाएँ ज़िंदगी में इनकलाब लाएँ हमारी जिंदगी जो बेरा रवि की शिकार हो गई थी हम उस जिंदगी को अल्लाह तबारक वाली की डगर पर डाल दें अल्लाह के रास्ते पर डाल दें और अल्लाह तबारक व ताल के जिक्र से अपने कलूब को जो है हम मनवर करें अल्लाह तबारक वाली तमाम की तमाम परेशानियों को मुसीबतों को दूर कर देगा آمين وآخر الدعوان أن الحمد لله رب العالمين